वेलकम फ्रेंड्स, सरकारी जॉब स्टडी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से चलते हैं हम उसके आगे। जो वीडियोस हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि इस एमआर प्लस टू का हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव विद नेगेटिव के बारे में आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया। अब जो उसका अगला स्टेप है वो है आपका डब्ल्यू एच फैमिली ऑफ इंटरोगेटिव, डब्ल्यू एच फैमिली विद नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू ऑफ इंट्रोगेटिव। तो दोनों का ही इसका प्रयोग अभी बाकी है। आज मैं इस वीडियोज में आपको सरल तरीके से उसको बताना चाहूंगा। बहुत इजी है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि डब्ल्यू एच फैमिली का प्रयोग तब करना है जब कोई वर्ड्स किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। जैसे क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ इत्यादि, इन सब को हम लोग डब्ल्यू एच फैमिली की कैटेगरी में रखते हैं। तो आप इसमें आप देख सकते हैं सेंटेंस के माध्यम से कि हम अपने घर समय पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। हम अपने घर समय पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। तो आप निश्चित रूप से समझ पा रहे हो कि इसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड कौन सा हो सकता है, क्यों। बिल्कुल सही पहचाना आपने इसे। ये आपको तो ये आपको आपको ये देखना है कि आपको ये बताइए मुझे कि ये सेंटेंस है इंटरोगेटिव ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली में है या इंटरोगेटिव विद नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली में है। तो आप बिल्कुल सोच के बताइए। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया कि ये आपका जो सेंटेंस है या नेगेटिव आ रहा ना, तो डब्ल्यू एच फैमिली का इंटरोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहले हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसको सेंटेंस को बनाएंगे। आप देखिए कि हम अपने घर समय पर क्यों नहीं पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले रूल के मुताबिक डब्ल्यू एच फैमिली, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, क्यों, क्यों इंग्लिश क्या होती है, वाई। बिल्कुल ठीक है। वाई के बाद इज एम आर आपको लेना है। अब इज एम आर तो लेना है, बट हाउ, कैसे लेना है, सब्जेक्ट को अकॉर्डिंग लेना है ना, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट्स में कौन है, हम। सब्जेक्ट कौन है, हम। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी। तो वी के साथ हमेशा क्या आता है, आर। तो यहां पे क्या लेंगे, आर। तो हमने ले लिया आर, वाई आर। अब आपको सब्जेक्ट लेना है, वाई आर वी। अब बचा यहां पे नॉट, ठीक है, फिर एबल टू। अब बचा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब ढूंढिए इसमें, पाने के पहले क्या लिखा हुआ है, पहुंचना। तो पहुंच इंग्लिश क्या होती है, रीच। व्हाई आर वी नॉट एबल टू रीच, कहां पहुंचना है, अपने घर। यही हमारा आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो रीच आवर होम। अब आपको कब पहुंचना है, समय पर। ये भी आपका अदर ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। तो आपको देना है समय पर, इंग्लिश क्या होती है, ऑन टाइम। अब आप देखिए सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, why are we not able to reach our home on time, कहने का मतलब है why are we not able to reach our home on time, हम अपने घर पर समय से क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये इंटरोगेटिव विद नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली का है। अब हम सेंटेंस को लास्ट वाला सेंटेंस देते हैं, हम अपने बड़ों का ख्याल कैसे रख पाते हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आ रहा है ये सेंटेंस डब्ल्यू एच फैमिली का तो है, परंतु इंटरोगेटिव ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली, जैसे कि हम अपने बड़ों का ख्याल कैसे रख पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करें, हम फॉलो करेंगे इस दिस स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये आपका इंटरोगेटिव ऑफ डब्ल्यू एच फैमिली है। तो आपको लेना है सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली। अब आपको देखना है कि डब्ल्यू एच फैमिली लेने से पहले आपको यू हैव टू फाइंड आउट द डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड तो कहाँ पे है, आप मुझे बताइए। आप यस, जो आप सही पहचाना, ये आपका डब्ल्यू एच फैमिली है, यही आपका डब्ल्यू एच फैमिली है। तो कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ। वेरी गुड, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग ऑन वेल। हाउ का डब्ल्यू एच फैमिली इज एम आर में से आपको लेना है, इज एम आर में से क्या लेंगे अभी नहीं, सबसे पहले आप इसको लेने से पहले यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा सब्जेक्ट की ओर। सब्जेक्ट देखो इसमें कहाँ है, सब्जेक्ट है हम, और हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, और वी के साथ क्या आता है, यू नो वेरी वेल, आर। वेरी गुड, तो हाउ आर, फिर सब्जेक्ट है इसमें वी। अब देखो डब्ल्यू एच फैमिली ले लिया हाउ, इनमें से ले लिया हमने आर, अब बचा सब्जेक्ट वी, उसके बाद क्या है, अब अभी नॉट, क्योंकि नॉट वाला सेंटेंस तो है नहीं, तो इसको मत कीजिए, ऊपर वाले स्ट्रक्चर पे हमें फॉलो करना है। तो वाई आर वी एबल टू, यहां पे लेना है हमें आपको एबल टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कहां है, ख्याल रखना। तो ख्याल रखने इंग्लिश क्या होती है, यस, वेरी गुड, आपने सही कहा,
लुक आफ्टर बोल सकते हैं या फिर टेक केयर ऑफ बोल सकते हैं। मान लीजिए आप लुक आफ्टर का प्रयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे लुक आफ्टर, हाउ आर वी एबल टू लुक आफ्टर, किसका ख्याल, अपने बड़ों का ख्याल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, लुक आफ्टर अवर एल्डर्स। अब आप देख सकते हैं इसको ध्यान से पढ़िए, हाउ आर वी एबल टू लुक आफ्टर अवर एल्डर्स, कहने का मतलब हम अपने बड़ों का ख्याल कैसे रख पाते हैं। तो ये आपको मैंने इस तीन वीडियोस के माध्यम से मैंने छोटे छोटे सेंटेंस से यूज ऑफ इज एम आर प्लस एबल टू का प्रयोग बताया है। हो सकता है कि आप लोग को ये इजी लग रहा हो, बट बेटा इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, वाकई आप अंग्रेजी पर एक कमांड पाना चाहते हैं, बोलचाल की शैली में आप दक्ष होना चाहते हैं, तो ये जो छोटे छोटे यूजेस हैं आपके लाइफ में आपकी आपकी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कारगर साबित होंगे। लेकिन आप इसको जब प्रयोग करेंगे तभी साबित होंगे। अगर आप इसको पूरा पूरा ध्यान देंगे, और देखिए इन दो मैंने आपको दो सेंटेंस लिखवाए हैं, आप इसके अलावा 15-20 सेंटेंस रेगुलर बनाइए, कंटिन्यू बनाइए और डेली बनाइए, आप खुद महसूस करेंगे कि आप कितना बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि आप किसी से कम नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी, यू आर जस्ट लाइक अ डायमंड्स, एंड अगर इफ यू आर अ डायमंड्स यू कैन बी अप्रिशिएटेड बाय द पीपल इन द सोसाइटी। सो आप लोग को जो चीज भी सीखे बेहतर सीखे। इसी के साथ नाउ विद दिस आई एम माय वर्ड्स एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी केयरफुली एंड विद एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज इफ यू आर न्यू सब्सक्राइबर टू दिस चैनल प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड शेयर इट। Thank you very much and thanks a lot for watching this video.